रिपोर्ट। आम आदमी को सस्ती दरों पर बीमा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। 8 वर्ष पूरे होने पर जब इस योजना के पिछले वर्षों में किए गए हित लाभों को देखें तो ये योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक संबल बनकर उभरी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के खाता धारकों ने इस योजना को संजीवनी बताया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एक बेहद उपयोगी और आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने वाली योजना है। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्ति जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की अच्छी बात ये है कि इसमें दुर्घटना होने पर बीमित परिवार को जो है 2 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्राप्त होता है। जब कोई ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये दो लाख रुपये की जो राशि है यह बहुत बड़ी राशि है, जिससे उनका परिवार जीवन यापन अच्छे से हो जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, ये बहुत ही अच्छी योजना है। मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना ये बड़ी कारगर साबित हुई है। मैं भी उसका खातेदारक हूं और मध्यम परिवार के लिए ये बीमा योजना खास तौर से इतनी लाभकारी है। मैं नरसिंहपुर का निवासी हूं लेकिन मेरे परिवार की सुरक्षा उसमें कारगर साबित हो रही। मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। नरसिंहपुर जिले के कई हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला है। वो बताते हैं कि गरीब परिवारों को दुर्घटना होने पर अथवा मृत्यु होने पर जो बीमा की राशि प्राप्त होती है वो बीमित परिवार के सदस्यों का न केवल सहारा बनती है बल्कि उन्हें संबल भी प्रदान करती है। इन दोनों योजना की सबसे खास बात यह है कि बेहद कम प्रीमियम पर उन्हें बीमा का लाभ मिलता है और सीधे खाते से ये राशि जमा की जा सकती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों योजना मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा लागू की गई थी। इस योजना के तहत सुरक्षा बीमा में 20 रुपये के प्रीमियम से सालाना 2 लाख का सम इंश्योर मिल जाता है परिवार को, और जीवन ज्योति में 436 रुपये में 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, जो कि गरीब परिवारों के लिए इतने कम अमाउंट में बाहर कहीं संभव नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु ये दो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कि बेहद कम प्रीमियम पर सुरक्षा की गारंटी देती हैं और दुर्घटना पर आर्थिक सहायता के साथ मृत्यु पर एक निश्चित बीमा राशि दी जाती है, जो कठिन समय में दिवंगत या दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्ति के परिवार के लिए आर्थिक सहायता देने का काम करती है। नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। और ओडिशा के पुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। इस साल अभी 20 जून को भक्त रथ को खींचते हुए शहर के मुख्य सड़कों से गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। क्या तैयारियां हो रही हैं इसको लेकर आए दिन स्पेशल रिपोर्ट को, और आप इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए और इसके साथ ही हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।